नमस्कार, बजट चोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन को कहेंगे झंडे की तरफ दिखाएं, ये कौन सा झंडा है, यानी कि आपको बताते चले कि रामनवमी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिलहाल अभी हम हैं हरमू चौक के पास, हरमू पंच मंदिर के पास, और जहां पर आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे झंडे जो हैं वो लग चुके हैं यहाँ पर, और आसपास में फल और कई सारे दुकानें हैं जो फल के दुकान भी हैं और झंडे की दुकानें। और क्या रामनवमी की महत्ता होती है, जिसकी शुरुआत जो है 30 तारीख यानी कि 30 मार्च को रामनवमी है, और कहें तो बाजार में रौनक जम चुकी है, उस पर हम आपको आगे खबर बताएंगे। रामनवमी का कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी तो अभी शुरू है, आज से शुरू है। अब देखिए नवमी क्या बिकता है, कैसा है? मतलब ये फल का जो बिक्री हो रहा है वो इस रामनवमी के सीजन में कौन कौन से फल का बिक्री ज़्यादा होता है? देखिए नवमी पूजा में 5 फल रखता है, जो 5 ला सकते हैं ले सकते हैं वही लाएगा। अंगूर हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, अनार हुआ, यही सब बिकता है। और क्या बिकेगा, कोई जो है सहा हुआ रहता है वो केला खाता है, पपीता खाता है। अच्छा, जैसे कि रामनवमी की तैयारी में जो, क्योंकि हिंदुत्व की बात करें तो विक्रम संवत आज से नए वर्ष का शुरुआत भी हो गया है, हिंदू के नव वर्ष का 30 तारीख को रामनवमी है, आपका कोई एक्सपीरियंस रामनवमी में, ऐसा कुछ आपका अनुभव? कोई अनुभव नहीं भैया, हम लोग के जो है ना ये बाजार के माहौल देख के, मतलब जो है अनुभव तो लगभग इस बार थोड़ा सा डाउन रहेगा, बाजार डाउन रहेगा। क्यों डाउन? अब क्या बताएं, अब तो महंगाई के चलते और नहीं तो पैसा नहीं है पब्लिक के पास, इसके चलते थोड़ा बहुत डाउन रहे। कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? हम तो यहाँ पर 25 से दुकान लगा रहे हैं। 25 से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम राम केवल साहू जी हैं। चलिए, आपके नाम में भी राम है। ये तो आपको देखा कि हरमू पंच मंदिर के पास जो है इनका लगभग, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो 25 वर्षों से ये है। और तो आप देख सकते हैं कि हरमू चौक से थोड़ा हरमू पंच मंदिर के पास और झंडे की खेप है। ये झंडा जो आप देख रहे हैं वो सरहुल यानी कि परसों सरहुल है, और उसके साथ साथ रामनवमी के जो झंडे हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और आगे रामनवमी में कुछ झंडे हैं वो भी लगे हुए हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। और हालांकि बाज़ार में जिस तरह से ख़रीदारी की बात करें तो बाज़ार में थोड़ी सी इस बार अभी रौनक बढ़ी नहीं, हालांकि एक सप्ताह के बाद यानी कि आज 22 तारीख है, 30 तारीख को रामनवमी है, और कई सारे लोग ख़रीदारी करने के लिए आते रहते हैं, बिक्री करने के लिए आते रहते हैं, कुछ महिलाएँ हैं और लेकिन हम कस्टमर कुछ हैं जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। और विगत कई वर्षों से इनका शॉप यहाँ पर है, लगभग अगर हम बात करें तो 15 वर्षों से, क्योंकि पहले भी हमने कई दफ़ा इनसे जब बातचीत की है तो यहाँ पर जो है स्टोर हमने इनका देखा है, जो दुकानदार हैं वो कर रहे हैं। एक बार देखिए सरहुल भैया 24, तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अजीत हुआ भैया। हाँ, कितने दिनों से दुकान है? यह दुकान यहाँ पर करीब 15 से ऊपर से है। जी हाँ, जैसा हमने आपको कहा था कि 15 वर्षों से ज़्यादा लक्ष्मी पूजा भंडार के नाम से इनका ये शॉप है यहाँ पे। रामनवमी का कैसा शॉपिंग हो रहा है भैया, कैसा लोग तैयारी कर रहे हैं? रामनवमी की तैयारी तो अभी लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो कर लिए, कस्टमर अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सप्तमी अठवीं को ले जाते हैं जी। अभी तो हम लोग अभी दुकानदारी था, कलश स्थापना कल दुर्गा पूजा, चैती दुर्गा पूजा का नव वर्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है 22 तारीख, और इसके बाद अब सरहुल का दुकानदारी रहेगा आज, कल और आज, मतलब आज हो कल, उसके बाद चैती छठ का दुकानदारी है एक कल और परसों। भैया सरहुल के बारे में बहुत लोगों के, जो बाहर के लोग हैं, जो आप तो झारखंड में रहते हैं, झारखंड में हम लोग रहते हैं, सरहुल क्यों मनाया जाता है? ये तो भैया हम लोग पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति का पर्व है ये, जो ये सरहुल मनाते हैं हम लोग इतना जानते हैं, हम लोग झंडा बेचते हैं और उतना तो उन नॉलेज इसके बारे में नहीं है सरहुल के बारे, बाकी यार तो दुर्गा पूजा ही सब हम लोग का त्यौहार होता है तो। अच्छा, व्यापार पे कैसा है इस बार, कैसा लग रहा है मार्केट, कैसा है व्यापार? देखिए हम लोग मेन पता चलेगा सप्तमी अठवीं को, मेन हम लोग उसी दिन का दुकानदारी, ये तो कलश स्थापना है तो मान लीजिए छिटपुट लोग करते हैं दुर्गा पूजा, तो इसमें ऐसा नहीं पता चलता, लेकिन सप्तमी और अठवीं वो हर घर का झंडा लगाने के लिए हर घर में पूजा होती है, उस दिन हम लोग को पता चलता है कि कैसा दुकानदारी है। और अभी तो हम लोग विशेष को ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इसका, लेकिन हम तैयारी तो सारा कर लिए हैं, बाकी अब देखिए। यहाँ 15 वर्षों से आप यहाँ? हाँ, 15 वर्षों से। तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी पूजा भंडार जो कि हरमू बाज़ार के पास है, विगत 15 वर्षों से यहाँ पर है,
तो एक दफ़ा एक बार फिर से लाल झंडे को एक बार दिखा दे कैमरा पर्सन और वीडियो को क्लोज करेंगे। ऐसी खबरें जो है और वो खबर जो आपके पास सुनिश्चित और सटीक पहुंचनी चाहिए, ऐसी खबरें बजट स्टोरी दिखाता है। कैमरे के पीछे राजीव है, मेरा नाम केशव कश्यप है और आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी। धन्यवाद।